दोस्तों, टेक टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं वरुण। दोस्तों, इस ब्लॉग में मैं आपको बताने जा रहा हूं 15,000 रुपए से नीचे के सबसे अच्छे 3 स्मार्टफोन जो अभी फिलहाल मार्केट पे अवेलेबल है, और ये स्मार्टफोन आप ले सकते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही जगह से। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस ब्लॉग को और देखते हैं कौन से हैं वो 3 स्मार्टफोन जो 15,000 रुपए से कम कीमत पर अवेलेबल हैं और इस बजट के सबसे अच्छे स्मार्टफोन हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं तीसरे नंबर से। तीसरे नंबर पर है सैमसंग गैलेक्सी M21। सैमसंग का ये स्मार्टफोन रिसेंटली लॉन्च हुआ है और ये तीसरा सबसे अच्छा स्मार्टफोन है 15,000 रुपये से कम कीमत पर। तो दोस्तों, ये आता है कुछ इन स्पेसिफिकेशंस के साथ। इसका जो डिस्प्ले है दोस्तों, 6.4 इंच का है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। प्रोसेसर इसमें सैमसंग ने अपना लगाया है और ये प्रोसेसर है एक्सनॉस 9611। दो मेमोरी वेरिएंट में ये अवेलेबल है। पहला है 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज, और दूसरा है 6GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज। दोस्तों, इसमें जो कैमरा लगा हुआ है, रियर कैमरा, उसमें प्राइमरी सेंसर 48 मेगापिक्सल का है। फ्रंट कैमरा इसका 20 मेगापिक्सल का है दोस्तों। साथ ही इसमें जो बैटरी लगी हुई है वो बहुत ही मैसिव है, 6000 mAh की बैटरी सैमसंग ने इसमें लगाई है। और ये बैटरी दोस्तों चार्ज होती है 15W के चार्जर के थ्रू। रियर साइड में सैमसंग ने इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर लगाया है। तो दोस्तों, ये लिस्ट में तीसरा स्मार्टफोन है जो 15,000 रुपए से कम कीमत पर अवेलेबल है और इस कैटेगरी का सबसे अच्छा तीसरा स्मार्टफोन है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरे नंबर पे कौन सा स्मार्टफोन अवेलेबल है। दूसरे नंबर पे है दोस्तों Xiaomi का स्मार्टफोन, और ये है Xiaomi Redmi Note 9 Pro। दोस्तों, ये स्मार्टफोन आता है 6.67 इंच के फुल HD प्लस डिस्प्ले के साथ, जो कि एक IPS LCD डिस्प्ले है। साथ ही इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 720G है। सिंगल मेमोरी वेरिएंट में ये स्मार्टफोन अवेलेबल है और ये है 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज। इसमें जो रियर कैमरा लगा हुआ है दोस्तों, वो एक क्वाड रियर कैमरा है जिसमें प्राइमरी सेंसर 48 मेगापिक्सल का है। फ्रंट कैमरा इसका 16 मेगापिक्सल का है दोस्तों। बैटरी जो इसमें लगी हुई है वो है 5020 mAh की, और ये बैटरी चार्ज होती है 18W के चार्जर के थ्रू। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर इसमें Xiaomi ने लगाया है। तो दोस्तों, इस लिस्ट का ये दूसरा सबसे अच्छा स्मार्टफोन है 15,000 रुपए से कम कीमत पर ये अवेलेबल है। पहले नंबर पे चलते हैं और देखते हैं कौन सा स्मार्टफोन है जो पहले नंबर पे है इस लिस्ट में। तो दोस्तों, पहले नंबर पे जो स्मार्टफोन है वो Realme का है और ये है Realme 6। Realme 6 आता है कुछ इन स्पेसिफिकेशंस के साथ। दोस्तों, Realme 6 का जो डिस्प्ले है उसमें जो रिफ्रेश रेट है वो 90Hz का है। आमतौर पे जो रिफ्रेश रेट रहती है स्मार्टफोन्स में वो 60Hz की रहती है, लेकिन इसमें 90Hz की रिफ्रेश रेट है, जो कि गेमर्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है। अगर आप गेम खेलते हैं तो ये रिफ्रेश रेट आपको बहुत ही हेल्प करने वाली है। इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है दोस्तों, वो MediaTek का Helio G90T है। सिंगल मेमोरी वेरिएंट में ये स्मार्टफोन अवेलेबल है और ये है 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज। इसका भी जो कैमरा है क्वाड कैमरा है रियर साइड में, और सबसे बड़ी बात की जो प्राइमरी सेंसर है इस कैमरे का वो 64 मेगापिक्सल का है दोस्तों। फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का है। तो ये स्मार्टफोन जो है, इसमें कैमरा भी बहुत बेहतरीन है, प्रोसेसर भी बहुत अच्छा लगा हुआ है। G90T एक बहुत ही बेहतरीन प्रोसेसर है, गेमिंग के लिए ये बहुत ही यूजफुल है। बैटरी इसमें जो लगी हुई है दोस्तों, वो 4300 mAh की है, और रियर साइड में इसमें Realme ने फिंगरप्रिंट सेंसर लगाया है। तो दोस्तों, ये जो स्मार्टफोन है Realme 6, ये पहले नंबर पर है और इस कैटेगरी का ये सबसे अच्छा स्मार्टफोन है दोस्तों। तो अगर आप स्मार्टफोन लेने जा रहे हैं, बजट आपका 15,000 रुपये का है, तो ये जो 3 स्मार्टफोन अभी मैंने बताए हैं, आप ज़रूर कंसीडर कीजिएगा लेने के पहले। और इन तीनों स्मार्टफोन्स में जो सबसे अच्छा स्मार्टफोन है वो Realme 6 है।
और अगर आप चाइनीज स्मार्टफोन्स को नहीं लेना चाहते हैं तो तीसरे नंबर पर जो स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी M21, ये स्मार्टफोन सबसे अच्छा स्मार्टफोन है और ये चाइनीज भी नहीं है, आप इसे कंसीडर कर सकते हैं लेने के समय। तो दोस्तों इस ब्लॉग में बस इतना ही, ऐसे ही इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।